हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। फाइनली गाइस, हमारी जो फैमिली के न्यू मेंबर थे दोनों आराम से सो रहे हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी हैं। फ्रेंड्स, कबूतरों को दाना दे दिया है और मुर्गियों को दाना दे दिया है और अब्दुल्ला को भी दे दिया है नाश्ता खाना जो भी है हमने। अब हम निकलते हैं अपने काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम निकल चुके हैं अपने घर से और हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनके घर में हमने जो फिटिंग की थी उसमें से एक एसी गर्म मार रही है, बंद हो गई है। तो इमाम साहब ने कहा है कि जब तक मैंने एसी नहीं लगवाई थी तो गर्म थी और जैसे मैंने अपनी एसी फिट करवा ली तो मौसम जैसे हो गया सर्दी का। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मई में भी काफ़ी ठंड और सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम काफ़ी शानदार है। नहीं लगे हम दो बार एसी लगाने के बाद फारिग हो गए थे और आज अचानक री कंप्लेन। और ये है पानी की टंकी जहाँ पे जंगली कबूतर काफ़ी होते हैं, वायदे में है, हो सकता है एक दो दिन में बाहर निकल आए। फिलहाल हम अभी कबूतर पकड़ रहे हैं और कंप्लेन नहीं उठा रहे अपनी, चार कबूतर हमने पकड़ लिया है। तो वह घर से हम लोग निकल चुके हैं और हमने खोल ली है पीसीबी और ले लिए हैं फाख्ते के अंडे जिनमें बच्चे हैं, इनको बैठा लेंगे अपने कबूतरों के नीचे, निकाल लेंगे इनसे बच्चे। तो फ्रेंड्स, फाख्ता हमारे अंडे में बैठी और आज हमने जब फाख्ते को मॉर्निंग में दिया दाना तो देखा इसका एक अंडा छिटका हुआ है। अंडा छिटका इसलिए है क्योंकि कबूतरों में आपस में लड़ाई हुई, इसलिए इसका अंडा छिटक गया। कबूतरों की तरफ से हम आ गए और अब्दुल्ला को ले आए कमरे के अंदर। अब्दुल्ला पूरे बर्तनों में घुस के पूरी सफाई करके फिर निकलेगा। तो फाइनली गाइस, गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में लोग पीते हैं मैंगो का जूस, मैंगो शेक। तो गर्मियों में सबका फेवरेट है मैंगो शेक, तो मैंने आज एक अलग डिफरेंट तरीके से मैंने मैंगो शेक बनाने की ट्राई की है। तो पहले हमने लिया मैंगो और उसमें लिए काजू, फिर उसमें लिया हमने खजूर वो भी मिक्स देसी घी और ये पिस्ता। सारा कुछ रेडी करके हम डालेंगे जार में, फिर उसके बाद ऐड करेंगे दूध और दूध के साथ ऐड करेंगे शहद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है, शुगर फ्री है, इसमें शुगर हमने ऐड ही नहीं किया। हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं नेचुरल हनी, शहद का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप फैट से भी और शुगर से भी बचे रहें। चालू रखना। तो फाइनली गाइस, जूस अपना हो गया रेडी और अब इसमें करेंगे ऐड हम रूह अफ़ज़ा। तो फाइनली गाइस, हैंडमेड फ्रेश जूस हो गया रेडी और देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, पीने में तो मजा ही आ जाएगा। वाह बेटा, वो सिर्फ मजा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज ट्राई करें और बनाए अपने घरों में, पिलाएं अपने मम्मी पापा को और अपने भाइयों बहनों को। तो इन्जॉय करें हमारे वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखें। तो फाइनली गए, सुबह से हम लोग घर में थे एक कंप्लेन के बाद और वक्त हुआ जाता है असर का और हमारी पार्टी निकल चुकी है असर की नमाज पढ़ने। उधर जाके अलग अलग भाग रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। और मौसम जो है आपस में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि गर्मी को आना है कि सर्दी को आना है कि बारिश को आना है। सर्दी भी है, गर्मी भी है और बारिश भी है गर्मी के। तो फाइनली गाइस, अभी तक पब्लिक ले रही थी मजा मौसम का और अब मौसम ले रहा है पब्लिक से मजा। फ्रेंड्स, ये है अपना पक्का पक्का वाला एड्रेस, जैसे वो पाकिस्तानी पिक्चर में बोलता है ए बोलिया इसको 10 में तेरा पक्का पक्का मसूका, वैसे ही हमारा पक्का पक्का एड्रेस गताचार शारा 403 मंजिल 300-। जुमरात बकूर अपना सुलग रहा है और यहाँ तैयारी हो रही बिरयानी की। तो फाइनली अभी फ़िलहाल इन्होंने शुरू कर दिया है मसाले की तैयारी और ये हमारे जैद बाबा और ये हमारे फैज बाबा। तो अभी मसाला वाला रेडी, मिलते हैं आपसे आगे। इस आज है जुमेरात और जुमेरात के दिन लाजिम, अगर जो खलीज में रहता है वो जुमेरात के दिन मुर्गी या बिरयानी या गोश्त ना बनाए तो इसका मतलब वो गल्फ़ में नहीं है, खलीज में नहीं है। और हमारी बिरयानी की हो रही है तैयारी, मसाला अपना भुन रहा है, गोश्त अपना धुल गया है और चावल फुला दिए गए हैं उस साइड में। तो फाइनली गाइस, चावल अपना हो गया रेडी बिरयानी का और आ गया सलाद का सामान और ये गोश्त मसाला रेडी हो रहा है। तो फाइनली गाइस, बिरयानी बनाते बनाते अख्तर रजा को कटवाने थे बाल, हमने ऑनलाइन एक भैया है हमारे, क्या नाम भाई आपका? अंसार अली बाराबंकी से। तो इनको हमने बुलाया है ऑनलाइन, अख्तर रजा के बाल कटेंगे और अख्तर रजा बनना है दूल्हा, कल है जुमा नमाज पढ़ने के लिए।
तो जिसको भी कुवैत में बाल कटवाने हैं भाई से संपर्क करें, सॉरी सबा अल अहमद में, नंबर भी मेंशन कर देंगे और आप भाई का नंबर नीचे हम मेंशन कर देंगे, उसमें आप कॉल करके कभी बुला सकते हैं जो भी कुवैत में हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए। और यकतर जब बन रहा है दूल्हा ऐसा मुंह बना रहा है जैसे लग रहा है कल इनकी बरात है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपसे रूम में, बिरयानी हमारी। नंबर है भाई का 9984751818। तो फाइनली गाइस मसाला अपना हो गया रेडी और चावल भी हो गए अपने रेडी और अब हम जा रहे हैं इसको परत बनाने। इस बिरयानी का नाम है परत वाली बिरयानी। तो फाइनली गाइस परत के ऊपर परत चल रही है, मामला हो गया सेट। और एक परत बिछाएंगे गोश्त की और एक परत बिछाएंगे चावल की, इसी तरीके हो जाती है परत वाली बिरयानी रेडी। तो फाइनली गाइस हमने कोशिश करी थी बिरयानी बनाने की और जो भी बना है वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। ये बनी है हमारी, बना रहे थे बिरयानी बन गया पुलाव। तो ये अपना पुलाव जो कि चावल छोटे थे, तो खाने के बाद पता चलेगा माशाल्लाह कैसी बनी है। तो अभी हम इसको निकालते हैं दस्तरखान में और साथ में हमारे है, तो इसको हमने दस्तरखान में निकाल दिया है और पार्टी हमारी आ रही है। साथ में खीरे की सैरत, खीरे की सलाद और है चटनी। तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो गाइस अब खाएंगे बिरयानी और सोएंगे दबा के, कल है जुमा। तो ये बिरयानी नहीं, ये बन गई ये पुलाव। हाँ कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है खाने भाई? अगर सालन चावल खवाना रहे तो बिरयानी का नाम कह दिए, रोटी खा लेते थे।